हूँ पहलक। नमस्कार, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दिया है। और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट है सुबह के 11:30 बजे से। काफ़ी लेट हो गया क्योंकि नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद मैं थोड़ी देर ऐसी रेस्ट कर रही थी। शरीर में ना बहुत अकड़न जैसी हो रही है, क्योंकि ऐसा होता है ना, फेस्टिव सीज़न आते तो ऐसे ही होता है, क्योंकि खाना पीना पूरा हमारा अप डाउन चले जाता है। टाइम का ना खाना ना पीना, कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पी रही थी दिनों समय, तो बॉडी बहुत अजीब हो गई है। तो इस वजह से थोड़ी रिलैक्स कर रही थी। तो अब बनाते हैं खाना। और अब दशहरा तो ख़त्म है, तो शायद अब पता नहीं आज फील्ड में क्या होगा, शायद वहाँ प्रोग्राम वगैरह होंगे जो भी, तो शाम को जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगी। रास तिलक होगा शायद आज। तो अभी मैं बनाती हूँ फ़िलहाल खाना, और आज मैं बनाती हूँ अपनी फेवरेट दाल। मुझे ना मतलब गडरी की सब्ज़ी, मतलब आई लव गडरी, गडरी 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 मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसे वो कहते हैं वैसे अरबी, वो तो फिनालू भी कहते हैं ना, उसका बड़ा वर्जन होता है। मतलब अगर जो लोग नहीं समझते हैं तो उनके लिए बता रही हूँ, वैसे हमारे पहाड़ में तो गडरी बोलते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है दाल में, मतलब भात के साथ भी ऐसी खा लेती हूँ मैं, और क्या कहते हैं दाल में डाल के भी, और रोटी के साथ भी ऐसी पसंद है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गैस, मुझे गडरी बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं दुकान आजकल ख़रीद के लेके आ रही हूँ, क्योंकि मन कर रहा है ना बहुत ज़्यादा खाने का। तो घर वाले बोले थे कि मैं बाद में नहीं खा सकती हूँ, तो इस वजह से पता नहीं क्यों, बट मैंने सोचा तब तक तो खा ही लेती हूँ, तो बहुत टाइम है मेरे पास, तो इसलिए बाज़ार से ख़रीद के लेके आ रही हूँ आजकल मैं रोज़े के गटरी अपने के लिए। ज़्यादा लेके आओ तो सड़ जाते हैं, फिर बाज़ार के ऐसे होते हैं ना, ज़्यादा स्वाद भी नहीं होते हैं, पर मुझे वैसे ही पसंद है, मुझे गडरी नाम की पसंद है, स्वाद सूद कुछ भी हो। तो चलते हैं खाना वाना बनाते हैं अभी, फिर आगे जो जो होगा आपको दिखाएंगे गाइस। और आजकल वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी होने लगी कि आजकल ठंडा होने लग गया, तो हम देख सकते हैं मेरा पंखा कितने कम में चल रहा है, आराम से कोई इसकी पंखुड़ी को गिन सकता है। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है आजकल, और अब धीरे धीरे धान कटाई भी स्टार्ट होगी। आज बॉल हो गई थी नीचे, तो अब हमारी भी होगी ऐसे धीरे धीरे, कि फिर आपको डेली की यहाँ की अपडेट दिखाएंगे। पिछली बार तो मैं हल्द्वानी थी तो आपको दिखा नहीं पाई, तो इस बार मैं ही हूँ। तो फिर स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड गाइस। इसको मैं बनाऊंगी मिक्स दाल के साथ। इवनिंग टी एकदम अदरक इलायची वगैरह डाल के, बीच में मैंने चाय पीना बंद कर दिया था, बट थैंक्स टू माय हस्बैंड मेरी अच्छी आदतों को बुरी आदत में कन्वर्ट करके चले जाते हैं। और अब तो आज के ठंडा हो, थोड़ा ठंडा ऐसा फील हो रहा है, फिर ठंडों में तो मेरे को ऐसा होता है कि जितनी चाय पी लूँ उतनी कम है। तो मैं वैसे बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मतलब अगर कभी मैं अपने हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी देख लेती हूँ तो मैं उस चीज़ को तुरंत फॉलो करना स्टार्ट कर लेती हूँ। बट एक चाय ऐसी चीज़ है जो मुझे 50 बार भी दिखती है कि हार्मफुल है, हार्मफुल है, मैं फिर छोड़ने की कोशिश करती हूँ और फिर से स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता। मैं गर्मियों में तो मैं पीती नहीं हूँ, गर्मियों तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, और उस टाइम पर मतलब मुझे मसाले वाली चाय ज़्यादा पसंद है। अकॉर्डिंग टू सिंपल चाय पत्ती मुझे इलायची वाली हो ना, जिसमें इलायची के होते हैं, तो मुझे वही अच्छी लगती है। मतलब मुझे इतनी बार दिखा दिया है कि चाय गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, बट मैं फिर भी पीती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। मैं मतलब सब कुछ छोड़ दूँगी, सब कुछ त्याग दूँगी, बट चाय नहीं गाइस। तो अभी पीते हैं और इनसे बात करते हैं। सो गाइस, अभी मैंने खाना वाना खा दिया है, और जैसे कि मैं आप सभी से कह रही थी कि जो मेरी जर्नी रही मिसकैरेज की, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ सब कुछ। तो अभी मैं मेरे दो मिसकैरेज हुए, बट मैं अभी सिर्फ फर्स्ट मिसकैरेज को बताऊँगी, क्योंकि फिर
दूसरे उसका बताऊंगी एंड फिर मैं बताऊंगी कि मैंने रिकवरी कैसे करी करके, क्योंकि व्लॉग बहुत लंबा चले जाता है और लोग फिर उतना ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। तो क्या हुआ कि मेरी शादी के आफ्टर 4 मंथ, 4 मंथ के बाद ये घर आए, तो हमने फर्स्ट जो प्रेगनेंसी थी वो कंसीव करी मैंने। तो ये छुट्टी में चले गए थे। उसके बाद मतलब मेरा ये रहता है ना कि मेरे पीरियड्स का ये रहता है कि डे टू डे हो जाते हैं, मतलब ऐसा था मेरा। तो स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, स्टार्टिंग में मैंने कंसीव नहीं किया था। उसके बाद ये छुट्टी चले गए थे, देन उसके बाद दोबारा जब ये आए, तो जब ये दोबारा आए तो तब हमने कंसीव किया। एंड जब तक ये घर थे तब तक तो हमें पता नहीं चला। देन उसके बाद मेरी डेट थी, तो शायद 21 को ये गया और 26 की 25 की मेरी डेट थी। तो उसके बाद मेरी 25 को मेरी डेट गई। देन उसके बाद तो एक और रहता ना, बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि हाँ कैसा जैसा है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ ये वो। तो मैं पहले मैंने देखा तो उस टाइम पे ज़्यादा पता भी नहीं था, स्टार्टिंग की जर्नी थी तो ज़्यादा उतना अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो मैंने पहले किसी को नहीं बताया, हाँ बट सबको पता चल गया था, क्योंकि सबको ऑलमोस्ट घर में सबको पता था कि मेरे डे टू डे मेरे पीरियड्स आ ही जाते हैं। देन उसके बाद फिर हम रुके, मैं दूसरे दिन रुकी, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं रहती ये चीज़ें, तो मैंने उनसे बोला, तो फिर उन्होंने कहा कि अभी नहीं। फिर उसके बाद मतलब अभी टेस्ट वगैरह मत करना, ये उन्होंने कहा। देन उसके बाद थर्ड डे के बाद मैंने देख दिया था, तो तब क्या था कि हल्की लाइन आई हुई थी, बहुत लो कम लाइन होती है ना वो आई हुई थी। फिर मैंने फ़ोन वगैरह में देखा, मतलब वो दिख भी नहीं रही थी, वो ऐसा होता कि अगर मैं ही देखती तो उसको सिर्फ मैं ही देखती, फ़ोटो खींच के भी देख रही थी तो ज़्यादा लाइट की वजह से उसमें भी उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा था वो। तो उसके बाद फिर मैं गई, फिर मैंने कहा कि उसमें मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा कि आफ्टर 7 डेज़ के बाद ही हमने देखना चाहिए, तब क्लैरिटी पता चलती है, क्योंकि जब उस टाइम पे फर्स्ट सेमेस्टर में HCG लेवल हर एक एक दिन में बढ़ते रहता है, तो जिस वजह से वो दोनों लाइन आती हैं। तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने ये चेक नहीं किया, मतलब ये था कि श्योरिटी हो गई थी कि हाँ प्रेगनेंसी है करके। देन उसके बाद मैंने 1-2 तारीख को, 25 की मेरी डेट थी, तो 7th डे में मैंने 2 तारीख को, क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको कि एक्साइटमेंट ही उतनी होती है, तो मैं रुक नहीं पाई, मतलब मैंने दूसरे दिन ही, मतलब जैसे 7th डे था उसी दिन मैंने चेक कर दिया था, तो तब भी मतलब लो लाइन ही थी, मतलब उतनी ज़्यादा डार्क भी नहीं थी, बट हाँ जो पहले दिन आई थी उसके अकॉर्डिंग डार्क लाइन थी। तो कन्फर्म हो गए थे हम लोग कि हाँ प्रेगनेंसी है, तो घर में भी सबको पता चल ही गया था ऑलमोस्ट, तो नॉर्मल था, पहले कुछ ऐसा पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कुछ उसके 2 दिन बाद, जैसे 2 को मैंने टेस्ट किया, तो 3-4 को मैं सी खाना वाना खाया हमने, और खाना वाना खा के दिन मैं सी मैं अपने रूम पे आई। अप्रैल मई का महीना था उस टाइम पे, शायद हाँ अप्रैल का था, शायद नहीं मई का था, हाँ मई का था। मई 4 को मैं अपने रूम पे आई, दिन में खाना वाना खा के, तो मैं गई वॉशरूम गई, तो जैसे ही मैं वॉशरूम गई तो मुझे टॉयलेट आई, तो मैंने टॉयलेट करी, एंड देन मैंने देखा कि जो मेरी टॉयलेट के साथ मुझे ब्लीडिंग भी हो रही है। तो मैं उस टाइम पे मेरे हस्बैंड कॉल पे थे, तो मैं उनसे बात कर रही थी, नॉर्मली मैं उनसे बात कर रही थी कि चेकअप के लिए ये वो, उसी रिगार्डिंग हमारी बात भी हो रही थी। तो उसके बाद जैसे मैंने ब्लीडिंग देखी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम था पता नहीं चला। मैं अपने रूम पे आई, पहले कुछ टाइम तो ऐसे बैठ रही, तो फिर मेरे हस्बैंड को थोड़ा डाउट हुआ, तो उन्होंने थोड़ा यूट्यूब वगैरह पर देखा, उन्होंने कहा कि
बुआ को कॉल करो, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा होता है ना कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधे बुआ को कॉल करो। तो मैंने बुआ को कॉल करी, घर में भी सब लोग सो रहे थे क्योंकि मई का टाइम था, गर्म वरम होता था तो, और उस दिन ऐसा था कि बारिश का मौसम हो रहा था उन दिनों, तो सब सोए हुए थे। मैंने किसी को नहीं बोला घर में, अपने रूम पे आ गई थी चुपचाप, घबराहट हो गई थी बहुत ज़्यादा, हाथ पैर कांपने लग गए थे मेरे। तो मैंने बुआ को कॉल करा और उसके बाद बुआ हॉस्पिटल में ही थी उस दिन, उनको कुछ काम था शायद, तो वो हल्द्वानी हॉस्पिटल में ही थी वो उस दिन, तब बुआ हल्दोचौड़ रहती थी। तो बुआ ने कहा कि तू हॉस्पिटल आ जा अगर घर पे कोई है, पहले ऐसा बोला कि लाल को हॉस्पिटल चले जा, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ चले जा, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो फिर बता देना, ऐसा करके। तो मैं गई, मैं लाल को जा रही थी, फिर बुआ का कॉल आया कि उनकी वहाँ की जो आशा है वो भी वहीं है, तो तू वहीं आ जा हल्द्वानी आ जा। तो फिर उसके बाद मैंने करण को पकड़ा, हम हेलमेट भी नहीं ले रहे थे, तो हमने फिर रास्ते में से बसंती भाभी के वहाँ से हमने हेलमेट लिए, सलोन जिनका है तो उनके वहाँ से हमने हेलमेट लिए और हम सीधे चल दिए हल्द्वानी को, और गए गए तब तक हम गए। फिर उसके बाद मुझे ब्लीडिंग नहीं हुई, देन उसके बाद फिर वहाँ हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। तो अल्ट्रासाउंड में तब तो एक दूसरे मंथ में, जैसे हमको प्रेगनेंसी का दूसरे मंथ में पता चलता है, तो तब छोटा सा सैक था, तो उस सैक के अकॉर्डिंग, जो सैक था वो मेरी डेट के अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरा लास्ट पीरियड था उसके अकॉर्डिंग, और जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए थी मतलब उतना ही था एग्जैक्ट, जो उसकी लेंथ वेंथ थी उतना ही था, बट ये था कि छोटा सा सैक था तब, लेकिन था। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सिचुएशन क्रिटिकल है, तो जो प्रोजेस्टेरोन होते हैं उसके इंजेक्शन वगैरह लगेंगे इनको, हफ्ते हफ्ते लगेंगे, तो इंजेक्शन चलाना है, 3 महीने तक ट्रीटमेंट करना है, फर्स्ट सेमेस्टर रेस्ट करना है, बिल्कुल बेड रेस्ट करना है। तो मैंने किया, बेड रेस्ट किया, बट धीरे धीरे जब मैं वॉशरूम जा रही थी तो मुझे ब्लीडिंग हो ही रही थी, मतलब डेली मुझे लग रहा था कि हाँ मुझे ब्लीडिंग हो रही है डेली ना, कुछ डेली डेली मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके बाद और प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन भी मेरे लग गए थे, तो उसके बाद मैंने 3 महीने तक अपना ट्रीटमेंट चलाते रहा। तो उसके बाद ऐसी, फिर जब तीसरा मंथ स्टार्ट हुआ तो मैं वहाँ गई, तो तब देखा कि अल्ट्रासाउंड के लिए गई तो उसमें बेबी नहीं था, वो शायद ब्लीडिंग के टाइम पे निकल गया था शायद, तो मुझे पता ही नहीं चला। तो उसके बाद मेरे पास ज़्यादा उस चीज़ को वो करने का वो तो नहीं है, लेकिन पता नहीं चला कि मुझे ये सब कुछ हुआ कैसे, स्टार्टिंग से मैंने ध्यान नहीं दिया या फिर उतना वो नहीं कर पाई, कहते हैं ना उसको कि हाँ ध्यान नहीं रख पाई उतना अपना। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं थोड़ा स्ट्रेस वगैरह लेने लग गया, जिस वजह से ब्लड फ्लो थोड़ा ज़्यादा होने लगा, तो उस वजह से मेरी ब्लीडिंग हुई। और शायद सेकेंड मंथ में, तब तो उतना पता भी नहीं चलता कि बेबी उतना कम्प्लीटली ग्रोथ भी नहीं हो रहती उसकी, जैसे थर्ड मंथ के बाद थोड़ा सा बच्चे के हाथ पैर वगैरह आ जाते तो तब पता चल जाता है कि हाँ, तब तो छोटा सा सैक था, क्या ही पता चलगा, 14.4 mm ऐसी कुछ था उस टाइम पे। तो मैंने वो अल्ट्रासाउंड मेरे मम्मी के वहीं छोटा हुआ, क्योंकि उसके बाद मम्मी के वहाँ चली गई थी, फिर वहाँ से मैंने थोड़ा अपना ट्रीटमेंट कराया था, तो वो अल्ट्रासाउंड वहीं रख के आई, फिर मैं लाई नहीं। बस मेरे पास एक फ़ोटो है कि तब मेरे हस्बैंड बीच में घर आए थे कि हाँ ये फ़ोटो हम अपने पास रखेंगे करके, वो मैं आप पे शेयर कर दूँगी आपसे, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं झूठ, मैं कोई कहानी बना रही हूँ। तो ये मेरी पहली जो पहला जो वट सावित्री था वो उस टाइम की फ़ोटो है, ये जून 18 जून की, ये पिछले बार की, यानी पिछले बार की फ़ोटो है। तो हमने कहा था कि बाद में तो आप घर आओगे नहीं, तो ऐसे जब हम रिवील करेंगे यूट्यूब पे, तो मतलब हमने इतने सारे सपने देख दिए थे, क्योंकि एक होता है ना जब से हम पेरेंट्स, हमको पता चलता है कि हम पेरेंट्स बनने वाले, तो हमारे नए नए जो सपने हैं वो हमको आने लगते हैं, कि उसके बाद हमारी पूरी सोच चेंज हो जाती है, हमारी बातें चेंज हो जाती है कपल्स के बीच में, कि पहले होता है कि अपनी अपनी बात अगर, उसके बाद उसमें एक छोटा सा मेहमान इंक्लूड हो जाता है, तो ये सब कुछ हमने सोचा था कि बाद में जब हम यूट्यूब पे बताएंगे तो आप उस टाइम पे तो घर नहीं आओगे,
अब तो आप सीधे बाद में ही आओगे, तो ऐसा हम एक दूसरे से ही बात बातें कर रहे थे, और देन तो हमने फोटोज़ वगैरह क्लिक करी हुई थी कि हम बाद में से शेयर करेंगे करके। तो उसके बाद फिर मेरा मिसकैरेज हो गया था, तो ये सब कुछ हुआ। एंड फिर उसके बाद मैं सीधे मम्मी के वहाँ चली गई थी, 1-2 महीना मैं वहीं रही उसके बाद, क्योंकि बॉडी बहुत ज़्यादा मेरी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैं वहाँ गई। पिछली बार आपने ब्लॉग में भी देखा होगा, पिछली बार की जो जून की छुट्टियाँ थी, फिर मेरे हस्बैंड मुझे वहीं आए थे लेने के लिए भी। देन उसके बाद फिर हम देहरादून गए थे। तो ये रही मेरी प्रेगनेंसी की, जो मतलब मेरा फर्स्ट मिसकैरेज था, वो कुछ ऐसा हुआ और जिसमें मुझे कुछ भी क्लियर पता नहीं चला कि मतलब हुआ कैसे, क्यों हुआ। मतलब तब मैंने उस चीज़ को इतना लाइटली लिया ना, सीरियसली, क्योंकि उस टाइम पे मुझे इतना लॉस नहीं हुआ, मतलब लॉस इन द सेंस कि मतलब मेरी मुझे पता नहीं चला उस टाइम पे इतना। और मैंने सेम गलती दूसरी प्रेगनेंसी में भी करी, बट तब हुआ क्या वो मैं आपको, वो बहुत बड़ा हादसा था तो मैं आपको फिर शेयर करूँगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। तो ये तो अगर ऐसा किसी के साथ हुआ हो ना, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करना मुझे, प्लीज़ 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 ज़रूर ज़रूर से ज़रूर शेयर करना मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। मैंने तो उस टाइम पे कुछ अपने चेकअप वगैरह कुछ भी नहीं कराए, कुछ भी नहीं, जैसे मुझे पता चला मैं नॉर्मली, उन्होंने कहा कि क्लॉट भी नहीं अंदर, तो फिर उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद मैंने कहा मैं अब चेकअप ही नहीं करा रही, उसके बाद ना मैं हॉस्पिटल गई ना मैं कहीं गई, उसके बाद फिर मैं घर पे ही रही। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया ऐसा ज़्यादा, उस टाइम पे चेकअप वगैरह भी नहीं करवाया, सीधे मम्मी के वहाँ चली गई थी। तो हमारे पहाड़ में होता है ना कि थोड़ा देवी देवताओं को भी मानते हैं, तो फिर उस चीज़ के लिए मैं वहाँ चली गई थी कि मैंने कहा थोड़ा पूछते हैं वो करते हैं। उसके बाद हमने उतना ध्यान नहीं दिया फिजिकली उतना, मतलब डॉक्टर से कंसल्ट वगैरह करना, हमने उस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया। हमने कहा चलो जो हो गया सो हो गया, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे, ये सब कुछ कहा। लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम क्या गलती हुई वो मैं आपसे शेयर करूँगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे।